स्कूल खोले या ना खोले को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने घरों में बाजारों में जाकर सर्वे फॉर्म भरवाए। जयपुर राज्य सरकार में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को खोलने की योजना गंभीरता से चर्चा में ली जा रही है, जबकि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म ना हुआ, ना ही वैक्सीन मार्केट में आई। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने या ना भेजने को लेकर दुविधा में, सरकार शिक्षा विभाग खामोश हैं। इस चिंता को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से सर्वे फॉर्म घरों व बाजारों में जाकर भरवाना शुरू किया। स्कूल खुले या न खुले, अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार संचालकों के दबाव में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, मगर इस बात को लेकर सरकार व शिक्षण संस्थाएं अभिभावकों से कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी फीस वसूल करनी है सिर्फ जब अभी बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मनाही है। इस बात को लेकर स्कूल खुले या ना खुले, संयुक्त अभिभावक संघ सर्वे फॉर्म भरवा रहा है और सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगा। संघ के मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और ना ही मार्केट में वैक्सीन है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाएं सिर्फ अपने फायदे के लिए स्कूल खोलना चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, यदि कोरोना फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभिभावक संघ जो कि शिक्षा के अंदर संतुलित के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था है, उसने अभी राजनीतिक गलियारों में और सरकारी गलियारों में जो अभी चर्चा चल रही है, राजस्थान में स्कूल खोलने के नाम पे जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके से लग रहा है कि स्कूल प्रशासकों के दबाव में आकर सरकार कहीं स्कूल ना खोल दे, उसके बारे में अभिभावकों से कोई भी बात नहीं की जा रही है और जनता की कोई भी राय नहीं ली जा रही है। आज बच्चे अगर स्कूल खुल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या समझते हैं कि क्या बच्चों के ऊपर कोरोना फैलेगा, बच्चों के कारण समाज के अंदर कोरोना फैलेगा, घर परिवार के अंदर कोरोना फैलेगा, उन सब के ऊपर क्या अभिभावक सोचते हैं, इसके ऊपर एक सर्वे की प्रक्रिया हमने चालू की है और इसके अंदर हम सोचते हैं 7 दिन के अंदर करीब 1 लाख लोगों का हम सर्वे रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर पाएंगे और इसके अंदर सरकार के पास एक अभिभावकों का पक्ष रख पाएंगे कि हम लोग क्या सोचते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि सरकार ने कहीं दबाव में आकर अगर इसका निर्णय लिया तो क्या स्कूलों के पास में ये संसाधन मौजूद है कि वो जो 50,000 प्राइवेट स्कूल अगर राजस्थान में काम कर रहे हैं, 11 लाख उनके पास कर्मचारी हैं, तो 6 से 7 दिन में जनवरी का महीना, आज ये साल खत्म होने वाला है, जनवरी का महीना चालू होने वाला है, 3-4 तारीख के आसपास स्कूल खोलने की बात होती है, तो क्या 3-4 दिन के अंदर सरकार इन सब का जो 11 लाख कर्मचारी है इन सब का कोविड टेस्ट परीक्षण करा के इसके अंदर सर्टिफाई कर पाएगी कि इसके अंदर बच्चों के अंदर संक्रमण के चांस ना रहे और समाज के अंदर आज राजस्थान की जनता के अंदर कोरोना बच्चों के कारण ना फैले। इन सब के अंदर वैज्ञानिक रूप से एक सर्वे हमने रखा है जिसके अंदर सवाल अभिभावकों से पूछे जा रहे हैं और जनता से पूछे जा रहे हैं और उनकी राय ली जा रही है। इस राय को बेबाकी से रखने के लिए संघ विभाग संघ सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है, अध्यक्ष संयुक्त अभिभावक संघ। जिस प्रकार की मंशा है, जिस प्रकार से राज्य के जो स्कूल संचालक है, जिसमें अधिकतर जो निजी स्कूल संचालक है, जिन्होंने लगातार अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हुए परीक्षा देते हुए जिस प्रकार से राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे हैं कि भाई राज्य के कितने भी जो निजी स्कूल है उनको खोला जाए, जो कोचिंग सेंटर है उनको खोला जाए, तो इस दौरान राज्य सरकार ये नहीं बता पा रही है कि स्कूलों की मॉनिटरिंग कैसे करेगी, जबकि 50,000 निजी स्कूल है और 11 लाख से अधिक शिक्षक हैं, इनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्या जिस दिन से ये स्कूल, जो अभी खबर आई थी कि 5 से 7 दिनों के अंदर स्कूल खोले जाएंगे, 5 से 7 दिनों के अंदर क्या ये 50,000 स्कूलों की जाँच कर पाएंगे, क्या ये 11 लाख शिक्षकों की जाँच कर पाएंगे, जो करोड़ों बच्चे स्कूलों में पढ़ने आएंगे क्या उनकी जाँच 5 से 7 दिनों में करने में सक्षम है ये? अगर ये सक्षम नहीं है तो क्यों ना इनके ऊपर एक इसी आधार पर एक सर्वे किया जाए जिसमें जो जिम्मेदारी राज्य सरकार को निभानी चाहिए थी कि भाई अभिभावकों की राय जाननी चाहिए थी, अभिभावकों की राय के आधार पर स्कूलों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर राज्य सरकार को सर्वे करना चाहिए था। लेकिन हम आशाओं में बैठे हुए थे, राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाकर हम लोगों ने स्वयं संज्ञान लेकर 10 मांगों का एक सर्वे पत्र हम लोगों ने बनाया, बकायदा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चला रहे हैं। तो कल से हमने ऑनलाइन चलाया था और आज से हमने इसको ऑफलाइन चलाया, क्योंकि आपके सामने अब हम आज जोरी बाजार के अंदर है और जोरी बाजार के अंदर ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, एक दुकानदारों से, एक एक नागरिकों से हम ये फॉर्म भरवाएंगे। हम लोगों का टारगेट है कम से कम 1 लाख सर्वे फॉर्म हम भरवाएंगे, 1 लाख सर्वे फॉर्म भरवाकर बकायदा उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करके विशेषज्ञों के साथ हम बैठेंगे, विशेषज्ञों की राय लेकर
फिर ये जितने भी मांग पत्र हम लेके भरवा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल लेकर राज्य सरकार से संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई ये रिपोर्ट हमारे पास आई है, आप किस आधार पर स्कूल खोलना चाहते हैं, किस आधार पर नहीं खोलना चाहते हैं, इसकी जानकारी जो भी है वो सारी चीज़ें सार्वजनिक करके ही आगे कोई फैसला ले रहे हैं।